हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का टेकी सौरभ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी हम अपने फ़ोन में कोई गेम खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं या फिर इंटरनेट चलाते हैं तो हमारा फ़ोन 2 से 3 घंटा चलाने के बाद कहीं ना कहीं गर्म होने लगता है और हमें कहीं ना कहीं डर लगता है कि यार हमारा फ़ोन ब्लास्ट ना हो जाए, हमारे फ़ोन के साथ कुछ गलत ऐसी चीज़ें ना हो जाए कि हमारा फ़ोन ब्लास्ट हो जाए, हमारे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका भी फ़ोन हीट हो रहा है या फिर ओवर हीट हो रहा है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इसका सोल्यूशन देने वाला हूं, कैसे आप अपने फ़ोन को ओवर हीट होने से बचा सकते हैं और इसके बाद आप कोई भी गेम खेलेंगे, कोई भी मूवीज़ देखेंगे या फिर इंटरनेट चलाएंगे तो आपका फ़ोन कभी भी गर्म नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं, आप भी अपने फ़ोन की ओवर हीटिंग प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले आपको हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। आपको सिर्फ उंगली के ऊपर टच करना है और ये वीडियो लाइक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे आपको रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर आपको इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे जाकर एक छोटा सा कमेंट करना है। यहाँ पर आपको नाइस वीडियो, वर्किंग ट्रिक या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पर आपको लिख के कमेंट कर देना है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने फोन को गर्म होने से बचा सकते हैं या फिर ओवरहीट होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जिस एप्लीकेशन का नाम यहां पर आप देख सकते हैं, इसका नाम है कूलर मास्टर। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये एक फेक एप्लीकेशन है, ये वो एप्लीकेशन जो है काम नहीं करती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर ने अभी तक 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और इसमें काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग भी दी गई है। तो आप समझ सकते हैं ये एप्लीकेशन कितनी कमाल की है और कितने अच्छे तरीके से हमारे फ़ोन में काम करती है। अब दोस्तों, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आपको सारी परमिशन को दे देना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन की सारी परमिशन को दे देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे जो है एक ऑप्शन मिलेगा, डिटेक्ट ओवरहीटिंग ऐप, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में उन सारी एप्लीकेशन को ढूंढ के लाएगी जो आपकी फ़ोन को ओवरहीट ज़्यादा करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों, बहुत सारे हमारे फ़ोन में ऐसी एप्लीकेशन है जो हमारे फ़ोन को जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवरहीट इन्हीं एप्लीकेशन की वजह से हमारा फ़ोन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे कूल डाउन के ऊपर टैप कर देना है और इसके बाद यहाँ पर ये एप्लीकेशन उन सारी जो है एप्लीकेशन को मतलब कि यहां से हटा देगी, आपके बैकग्राउंड से हटा देगी। यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं, 50 एप्लीकेशन को इस एप्लीकेशन ने यहां से रिमूव कर दिया है जो हमारे फोन को हीट कर रही थी। अब दोस्तों, यहां पर आपको इस एप्लीकेशन में और भी कई सारे सेटिंग मिल जाते हैं, जिससे आप अपने फोन के टेम्परेचर को काफी ज्यादा घटा सकते हैं, जिससे आपका फोन गर्म नहीं होगा। तो दोस्तों, यहां पर आपको सीपीयू के ऊपर क्लिक कर देना है और ये एप्लीकेशन यहां पर आपके फोन के सीपीयू को स्कैन करेगा और आपके फोन के सीपीयू को यहां से कूल कर देगा और आपका फोन गर्म नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको बैक जाना है और उसके बाद दोस्तों, आपको अपने फोन की रैम को भी यहां से क्लियर कर लेनी है, ताकि आपके फोन के रैम में भी कोई दिक्कत ना आए और आपका फोन गर्म ना हो। तो दोस्तों, यहां पर आपको मैंने जो जो बताया आपको उसी तरह से करना है और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके फोन की टेम्परेचर काफी ज्यादा घट जाएगी और आपका फोन का जो हीटिंग इशू है वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप कोई पबजी खेलोगे, कोई गेम खेलोगे, मूवीज देखोगे या फिर इंटरनेट चलाओगे तो आपका फोन कभी भी गर्म नहीं होगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अपने फोन को ओवरहीट होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।